हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, फिर से मैं आप लोग सामने कक्षा 9वीं का विषय सामाजिक विज्ञान प्रश्न बैंक, वो भी सत्र 2022-23 का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स कि जो भी पेपर बनते हैं, जो चाहे वो आपका त्रैमासिक परीक्षा के पेपर हों, चाहे वो अर्धवार्षिक हों, चाहे वो वार्षिक परीक्षा के पेपर क्यों ना हो, तो सभी के सभी प्रश्न पत्र यानी सभी पेपर प्रश्न बैंक से ही बनते हैं, क्योंकि इस प्रश्न बैंक में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं जो पेपर में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने मैं प्रश्न बैंक का संपूर्ण सोल्यूशन बताऊँगा। तो इस वीडियो में आप लोगों के सामने कक्षा 9वीं का 2022-23 का प्रश्न बैंक का संपूर्ण सोल्यूशन बताऊँगा, वो भी सामाजिक विज्ञान का। तो आप इस वीडियो पूरा कंटिन्यू जरूर देखना, तभी आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ पाएगा। ठीक, तो सब प्रथम आप लोगों के सामने बात करते हैं। तो इस प्रकार से ब्लू पेंट है और ब्लू पेंट के आधार पर ही पूरा प्रश्न पत्र बनते हैं। तो चलिए हम लोग इसके आगे भी आप लोगों इकाई बाई इकाई यानी अध्याय अध्याय बाई अध्याय आप लोग अच्छी तरह से पूरी तरह से संपूर्ण हल कराऊंगा। ठीक, तो ये आप लोग सामने अध्याय एक, जिसका अध्याय पाठ का नाम है भारत आकार और स्थिति। ठीक, तो ये इस पाठ से लिए गए हैं। तो इसमें कुछ वस्तुएं प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सब प्रथम आप लोग सामने रहेंगे निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक बच्चों, तो चलिए हम लोग करेंगे इसको पूरे अच्छे से। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, तो पहला लिखा है भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है तो कितना है। भारत की तो आप लोग बता दिए जाते हैं इतना है, मतलब कि सा नंबर आपका सही होगा, यानी कि 23 सेल्सियस 30 उत्तरी अक्षांश। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा पहले का आंसर सही। चलिए अगला है आपके सामने दूसरा, जिसमें लिखा भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो कौन भारत कौन सी महाद्वीप का हिस्सा है, तो भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक, तीसरा लिखा भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल से कितना है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरे का हो जाएगा अ नंबर, यानी 2.4%। ओके, चौथा देखते हैं हम लोग, भारत के उत्तर में स्थित नमीन बलित पर्वत श्रृंखला है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने ब नंबर, यानी हिमाचल पर्वत। ठीक बेटा, पाँचवा लिखा है निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है। तो पाँचवें का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने सा ऑप्शन, जम्मू कश्मीर लद्दाख। ठीक, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। तो इस प्रकार से मैं आप लोग सामने सही सही आंसर बताते जा रहा हूँ, काफ़ी अच्छे हैं। आप लोग अपनी बुक या किताब में भी लिख सकते हैं, यानी कि इसकी शॉट लेना चाहते हो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। चलिए हम देखते हैं छठवां। तो छठवां लिखा आप लोग सामने कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है। तो कितने राज्यों से गुजरती है, तो मैं आप लोगों को जानकारी बता देता हूँ, ये गुजरती है आपकी 8 राज्यों से। कितने, 8 राज्यों से। ठीक, अपना छठवां को सातवां है, देश का सबसे पूर्वी दिशा निम्न से है। तो सातवें का हो जाएगा आप लोग सामने ऑप्शन, यानी कि 97 सेल्सियस 25 पूर्वी। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा ऑप्शन सही हुआ। आठवां लिखा है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है। तो कितना अंतर हो सकता है, तो ए हो सकता है आप लोग सामने 2 घंटे का। ठीक, कितने घंटे का, 2 घंटे, यानी ऑप्शन सही रहेगा। नौवां लिखा है भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। तो भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक बेटा, हिंद महासागर। ठीक, अब दसवां ऑप्शन देखते हैं। दसवां लिखा है अब अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है। तो अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, तो अरब सागर में हो जाएगा आपका ब ऑप्शन सही, लक्षद्वीप। ठीक बेटा, ये आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से मैंने आप लोग सामने वस्तु प्रश्न बता दिए बच्चों। चलिए अगला देखते हैं हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति की। चलिए हम लोग थोड़ा यहाँ पर मैं आप लोग सामने कुछ बोलते जाएंगे तो आप लोगों को लिख लेना। ठीक, जैसे पहला लगा भारत की भूमि का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत की भूमि का क्षेत्रफल है 32.8 लाख। ठीक, इस प्रकार से पहला हो जाएगा। दूसरे में लिखा भारतीय संघ का सबसे दक्षिण पूर्व बिंदु जल मगन हो गया है खाली स्थान, इसमें हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कितना, इंदिरा पॉइंट। ठीक, ये दूसरे का आंसर है। ठीक, इंदिरा पॉइंट। ठीक, तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में लिखा है भारत अरब सागर भारत के खालिस्तान दिशा में स्थित है। कौन सी में, पूर्व में। ठीक, पूर्व में। ठीक, ये हो जाएगा तीसरा आंसर। चौथे की बात करते हैं, चौथे में भारत के पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को कहा जाता है। तो चौथे का हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक, बंगाल की खाड़ी लिख लेना। ठीक, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। पाँच में भारत की तटीय सीमा खालिस्तान किलोमीटर है। तो इसमें हो जाएगा आपका पाँच में हो जाएगा 75.16 किलोमीटर। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका पाँच में का। छठवें की बात करते हैं, छठवें लगा पूर्वी देशांत उत्तर प्रदेश के, तो खालिस्तान तो इसमें हो जाएगा नैनी। ठीक, नैनी छठवें का हो जाएगा। सातवें में भरना आप लोगों को, सातवें हो जाएगा आपका 30 सेल्सियस। ठीक, हाँ, और आठवीं की बात करते हैं, तो आठवीं हो जाएगा आपका
07, 8 वाले में 07 वाले पर समाधिक संख्या कितनी है तो 7 है। ठीक, अगला है आपका और 8वां 9वां हो जाएगा आपका। 9 में लिखा है विश्व का सबसे बड़ा एशिया कौन सा है, तो महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप, इसमें एशिया आ जाएगा। 10वीं वाला पृथ्वी पर कौन सा, पृथ्वी पर मतलब कि 5 महासागर हैं। ठीक, पृथ्वी कितने महासागर हैं, तो 5 महासागर हैं। ठीक, इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोगों के सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट होती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है आप लोगों के सामने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य आंसर दीजिए। तो चौथे की बात करते हैं, तो चौथे सॉरी तीसरे का देखते हैं हम लोग, तो तीसरे में हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर लगाए एक वाक्य आंसर। तो मैं आप लोग सामने वहाँ से बोलता जा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। तो पहले का आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। ठीक, तो पहले का हो जाएगा भूमध्य रेखा। दूसरे की बात करें, दूसरे में लिखना आप लोगों को 8। ठीक, तीसरे में लिखना आपको बंगाल की खाड़ी। चौथे में हो जाएगा आपका 7000। ठीक, इस प्रकार से बताता जा रहा हूँ ताकि आप लोग टेम ना हो, मुझे भी टेम ना हो। पाँचवें में लिखो आप लोग क्या, पाँचवें का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने, चौथे का हो जाएगा 7000। पाँचवें का आंसर लिखना है लाल सागर व भूमध्य सागर। ठीक, इस पाँच में हो जाएगा लाल सागर व भूमध्य सागर। ठीक, छठवें की बात करते हैं, छठवें हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक, सातवें में हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार लक्षद्वीप मालदीव। ठीक, सातवें में हो जाएगा आपका, आठवें हुआ इसमें हो जाएगा आपका म्यांमार की खाड़ी। ठीक, और यहाँ पर नौवीं की बात करते हैं, तो इसमें नौवें में हो जाएगा गुजरात और दसवें में भरना आपको 9। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सुन एक वाक्य आंसर हो गए। चलिए हम लोग सत्तर शब्द जल्दी से कर लेते हैं। तो पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा आपका असत हो जाएगा, चौथा आपका सत्य हो जाएगा, चौथा असत रहेगा बच्चों। ठीक, देना हम अभी यहाँ पहला सत्र, दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य रहेगा। ठीक, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पाँचवा सत्य, छठवा सत्य और सातवा भी सत्य और आठवां हो जाएगा सत्य, नौवां हो जाएगा सत्य और दसवां भी सत्य। ओनली ये आपका चौथा वाला हो जाएगा असत्य, बाकी सभी होंगे सत्य। ठीक बच्चों, चलिए हम लोग अभी यहाँ पर सही जोड़ी मिला लेते हैं। ठीक, सही जोड़ी किस प्रकार से मिलाएंगे अभी लो आप लोगों के सामने बता देता हूँ। पाकिस्तान की मिल जाएगी आपकी, पाकिस्तान की हो जाएगी आपकी 10, यानी पाकिस्तान भारत के पश्चिम का पड़ोसी देश है। ठीक, दूसरे का हो जाएगा आ भारत का क्षेत्रफल इतना है। ठीक, आ से, और तीसरे का हो जाएगा आपका रा से, राजस्थान का हो जाएगा इससे, पंजाब हरियाणा का हो जाएगा बा से, करकड़ी का जलवायु। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आप लोगों के सामने अध्याय एक के सत्य असत्य सही वाक्य में आंसर है इस प्रकार से पूरे कंप्लीट करा दिए। अब आप लोगों के सामने अति लघुत्तर प्रश्न, तो इन प्रश्नों के वीडियो मैं अलग से लाता रहूँगा क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं फिर आप लोगों के सामने लघुत्तर प्रश्न, तो इनको भी मैं अलग से समझा दूँगा। फिर दीघुत्तर प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे यही फायदा होगा कि मैं जो प्रश्न बैंक रहेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, पेपर रहेंगे, वो डालता रहूँगा। फिर आप लोग सामने अध्याय दो, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, तो अध्याय दो में सही विकल्प नहीं आए हैं, ओनली अध्याय दो से एक मानचित्र आना है, यानी कि ये आएगा आपका एक मानचित्र आएगा। फिर आप लोग सामने ऊपर ये नाम दिए जाएंगे, इन नामों को आपको एक मानचित्र में भरना पड़ेगा जैसा आप लोग जानते हैं। ठीक, लेकिन इसको मैं अलग से समझा दूंगा, अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं करना। ठीक, चलिए अगला आप लोग सामने अध्याय तीन, जिसमें आप लोग सामने अध्याय तीन में कुछ नहीं करना, इसमें भी सही विकल्प पूछे गए हैं, तो इनको मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। ठीक, अध्याय तीन के, और मैं आप लोगों के सामने इसमें कर ला दे। तो अध्याय तीन के सही विकल्प देख लेते हैं। अध्याय तीन का है पाठ, अध्याय तीन पाठ का नाम है अफवाह। ठीक, तो पाठ तीन के हम लोग आंसर करेंगे जल्दी से थोड़ा, ठीक, ताकि आप लोग किसी का कन्फ्यूजन हो। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहले विश्व की सबसे बड़ी अफवाह श्रेणी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन की नदी। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे का आंसर हो जाएगा बा। ठीक, तीसरे का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने आ, चौथे का आंसर हो जाएगा आ, और पाँचवें की बात करते हैं तो पाँचवें का आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पर आ। ठीक, छठवें की बात करते हैं, छठवें का आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने बा, सातवें का आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने आ, आठवें का आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पर बा, ऑप्शन सही बा, मैदानी भागों में। ठीक, और नौवें की बात करते हैं, तो नौवें का आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने यहाँ पर बा, ऑप्शन ठीक बा। और दसवीं की बात करें, दसवीं का हो जाएगा सा, अमर कंटक। ठीक, इस प्रकार से आप लोग सामने सही विकल्प कंप्लीट करा दिए हैं। चलिए अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो अभी हाल जल्दी से आप लोग, मैं ओनली बोलता जा रहा हूँ, आप लोग भर सकते हैं। ठीक, पहले में हो जाएगा आपका यमुना, यमुना भर देना है यहाँ पर। दूसरे में लिख देना आपको सुंदरबन, तीसरे में लिखना आप लोगों को अरब सागर,
चौथे में लेकिन आपको गंगा, पाँचवें में लेकिन आपको पश्चिम से पूर्व, ठीक पश्चिम से पूर्व, छठवें में लिखना आप लोगों को, एक मिनट बच्चे गलत ना लिखना, छठवें में लिखना आपको गंगोत्री, क्या गंगोत्री छठवें में, ठीक सातवें में लिखना आपको सौंग संगपो, क्या लिखोगे छठवें में लोग जाओगे, एक मिनट सात छठवें में हो जाएगा गंगोत्री, सातवें लिखना आपको सांगपो, ठीक सांगपो ये हो जाएगा सातवें, आठवें में लिखो आप लोग महाबलेश्वर, ठीक आठवें लिखो महाबालेश्वर, ठीक नौवें हो जाएगा कावेरी, नौवें लिखना कावेरी, दसवें में लिखना आपको अद्रशुल्क, ठीक अद्रशुल्क, ठीक इस प्रकार से आप लोग सामने लिखते हैं पूरे कंप्लीट हुए हैं। आप लोग देखते हैं एक वाक्य में आंसर, तो इसको मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा क्योंकि काफ़ी बड़े हैं, तो उनको मैं लास्ट में ही बताऊंगा, ठीक जब तक हम साथ साथ कर लेते हैं, ठीक तो साथ साथ देखते हैं हम यहाँ पर, तो पहला आप लोगों के सामने क्या रहेगा, तो पहला आपके सामने सत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य हो जाएगा, तीसरा सत्य हो जाएगा, चौथा असत रहेगा, पाँचवा भी सत्य हो जाएगा, छठवा भी सत्य हो जाएगा, आठवा भी सत्य हो जाएगा, नौवा भी सत्य हो जाएगा, और नौवा भी सत्य होगा, दसवा आपका असत रहेगा, ठीक इस प्रकार से सभी सत्य रहेंगे, स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, दो असत रहेंगे, तो इस प्रकार से अध्याय तीन के भी मैंने सत्य असत करा दिए हैं, अब मैं हम सही जोड़ी भी करवा देता हूँ। तो सही जोड़ी है पहली की हो जाएगी आपकी रा से, ठीक दूसरी ब्यास नदी हो जाएगी आपकी दा से, और तीसरे का हो जाएगा सतलुज का हो जाएगा इससे, और चौथे का हो जाएगा सा से, पाँचवें का चिनार से। तो इस प्रकार से आप लोग सामने अध्याय तीन भी कंप्लीट हो जाए। अब आता है आप लोगों के सामने अध्याय चार। अब बच्चों आप लोगों के सामने मैं बता देता हूँ, जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही आप लोग डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को जरूर ज्वाइन करना क्योंकि मैं वहाँ पर इस पीडीएफ को डाल दूंगा, वो आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक बच्चों तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसके आगे का मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, जब अगर आप लोग कमेंट में करोगे सर इसके आगे का वीडियो बनाइए, तो कमेंट में लिखो आप लोग कि सर इसके आगे का वीडियो बनाओ, तो मैं जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।